शासन के निर्देश पर शुक्रवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लागू साप्ताहिक बंदी के तहत रविवार को महानगर की सभी दुकानें बंद रहीं। मोहद्दीपुर रोड, विश्वविद्यालय रोड, जीडीए टावर रोड, इंदिरा गांधी तिराहा, यूनिवर्सिटी चौराहा तथा सिटी मॉल के पास वाहनों का चेकिंग कर पुलिस साप्ताहिक बंदी का पालन कराते नजर आई। इसके अलावा प्रमुख चौराहों पर सन्नाटा देखने को मिला, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश पर साप्ताहिक बंदी शनिवार और रविवार को लागू किया गया है। केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि महानगर में कई जगह पर बैरियर लगाए गए हैं। इसके लिए सारे SHO, CO और चौकी इंचार्ज की ड्यूटी लगाई गई है और अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूम रहे लोगों का चालान भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग बेवजह दुकान खोल रहे हैं उनके ऊपर 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी सोनम कुमार ने कहा, आगे कुछ नहीं है, चार नहीं है, चार केवल नहीं, 5,000 इसका लगेगा। Oh,
ये देखिए साप्ताहिक जो आंशिक कर्फ्यू है जो शनिवार रविवार को लागू है, जो सिर्फ आवश्यक वस्तु की दुकानें ही खुली रहेंगी और सिर्फ आवश्यक कार्यों से ही लोग घर से बाहर निकलेंगे। इसके लिए कई जगह जगह बैरियर लगाए गए हैं। सारे SHO CEO और चौकी इंचार्जों की ड्यूटी लगाई गई है। जो भी अनावश्यक रूप से निकल रहे हैं उनका चालान किया जाएगा और उनकी गाड़ियों के सीजर की कार्रवाई भी की जाएगी, और अगर कोई बेवजह दुकान खोल रहा है जो कि आवश्यक वस्तु नहीं है तो उस पर 188 IPC और महामारी अधिनियम के अंतर्गत सख्त से सख्त कार्रवाई की गई।